गरीब बेसहारा अधेड़ उम्र की औरत जो अपना पेट भरने के लिए रेलवे प्लेटफार्म पर लोगों को गाना सुनाकर भीख मांगा करती थी। लोग उस पर दया खाकर कुछ खाने पीने की वस्तुएं या कुछ पैसे दे दिया करते थे। उसके रहने के लिए कोई घर भी नहीं था, इसलिए सर्दी गर्मी या बरसात की रातें रेलवे प्लेटफार्म पर ही गुजरती थी। हम लोग सफ़र के दौरान अक्सर कुछ लोगों को गाते हुए मांगते देखते हैं, लेकिन अतींद्र चक्रवर्ती नाम के एक युवक ने कोयले की खान से हीरा निकाल कर दिखाया है। राणाघाट स्टेशन पर एक दिन अपने मोबाइल से अतींद्र ने एक औरत को लता जी का एक गाना एक प्यार का नगमा है गाते हुए वीडियो बना लिया और उसे अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते ये वीडियो ज़बरदस्त वायरल हुआ और उस गरीब औरत का नाम रेणु मंडल भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तक जान गया। रानू मंडल की आवाज़ का जादू टेलीविजन और बॉलीवुड तक भी पहुंचा। इस आवाज़ से प्रभावित होकर संगीतकार हिमेश रेशमिया ने उनको एक फिल्म में गाने का मौका भी दिया और रेणु मंडल के साथ खुद एक गाना गाया जो इंटरनेट पर धुआंधार वायरल है। रेणु मंडल को रातों रात प्रसिद्धि मिली और इन्हें पूरा देश जान गया। रेलवे प्लेटफार्म पर गाने वाली महिला आज बॉलीवुड सिंगर बन चुकी है। रेणु मंडल का जन्म 5 नवंबर 1960 को बंगाल में नदिया जिले के राणाघाट में हुआ था। इनकी शादी 19 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। इनके पति का नाम बबलू मंडल था जो अब इस दुनिया में नहीं है। रेणु मंडल की एक बेटी भी है जिसका नाम साची राय है। रेणु मंडल शादी के बाद अपने पति के साथ मुंबई में रहती थी। पति के देहांत के बाद अपने घर राणाघाट पर वापस आना पड़ा था। उनकी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई थी। बेटी भी शादी के बाद चली गई थी। आज रेणु मंडल के पास तमाम टीवी सीरियल बॉलीवुड बंगला फिल्म सिटी आदि से काम करने के ऑफर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो यहाँ तक कहा जा रहा है सलमान खान ने 55 लाख रुपए का एक घर भी रेणु को गिफ्ट किया है और दबंग 3 में गाने के लिए एक रिक्वेस्ट भी किया है।